Hello students of 9th class, I am Rizwan Latif and I welcome you in my 4th lecture. This lecture is about the dark age of computers that is considered 3000 BC to 1890 AD from unit number 1. But before moving towards my lecture, I would like to ask you all to click like and share button, as well as for those who joined us for the first time, may also click the subscribe button and bell icon so you will get notified and never miss any new lecture as it's uploaded. Students, dark age इसलिए इसको कहा जाता है कि उस वक्त इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी और मैनुअली वर्क किया जाता था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेबल्स स्टिक्स वगैरह या उंगलियों को काउंट करने से. तो इसमें सबसे पहला कंप्यूटर एबेकस को कंसिडर किया जाता है अबाउट 3000 ईयर्स बीसी, यानी कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले. चाइनीज डेवलप्ड द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन नेम्ड एबेकस. एबेकस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम हैविंग रॉड्स व्हिच कैरी राउंड बीड्स. काउंटिंग इज डन बाय शिफ्टिंग द बीड्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर. अब जिस तरह पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये एक फ्रेम था जिसमें दरमियान में रॉड्स लगे हुए थे लोहे के, और उनमें दाने थे, राउंड बीड्स थी, जिनको एक साइड से दूसरी साइड पे मूव किया जाता था और इस तरह कैलकुलेशन की जाती थी, उसमें काउंटिंग की जाती थी, एडिशन या सब्ट्रैक्टिंग की जाती है. अभी भी ये हमें मुख्तलिफ स्कूलों में जो प्री नर्सरी लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनको काउंटिंग वगैरह सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेपियर्स बोन्स. ये जितने हम आगे अभी हम देखेंगे कि जो डिवाइसेस बनी हैं, तो वो मोस्टली जो उसके इन्वेंटर हैं, जो उसको बनाने वाले याद करने वाले मूजिद हैं, उनके नाम पे बने हैं. तो जॉन नेपियर 1550 to 1617 स्कॉटिश मैथमेटिशियन created logarithm table to facilitate calculations. He also created a device using rods, also called Napier bones, to perform arithmetic calculations. These rods were widely used by accountants and bookkeepers. With a modern slide rule, not only arithmetic operations can be performed, but also calculate squares, square roots, logs, cosine and tangent. This slide rule used till the middle 70s. So, ye jo logarithmic rule tha, iski base pe abhi tak 1970s तक इस पे काम होता रहा है. तो इसमें भी बेसिकली ये जो डिवाइस थी, इसमें उसने रॉड्स को यूज़ किया और इसके ज़रिए मुख्तलिफ जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उनको परफॉर्म किया जाता था. तो ये नहायत काबिल एतमाद डिवाइस उसने बनाई, जिसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो 100% ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करती थी. नेक्स्ट वन इज पास्कल्स कैलकुलेटर. ब्लेज पास्कल 1623 to 1662, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, डेवलप्ड द फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग मशीन इन 1642. दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स. इट वॉज कैपेबल ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स, यहाँ से मैकेनिकल डिवाइसेस का दौर शुरू होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ गियर्स हैं, व्हील्स हैं, उनको रोटेट करने से या उसके हैंडल को घुमाया जाता था तो वो रोटेट करते थे और इस तरह कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी. तो यहाँ से मैकेनिकल इरा जो है वो स्टार्ट होता है 1642 से. दूसरा, आप ये भी देख रहे हैं कि जितनी डिवाइसेज हैं वो मैथमेटिशियन बना रहे हैं. जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की जो बेस है, जो उसकी वर्किंग की बेस है, वो मैथमेटिक्स है. बाइनरी पे कंप्यूटर काम करता है. सो ऑल मैथमेटिशियंस हैव वर्क ऑन इट एंड फाइनली अ डिवाइस इन्वेंटेड कॉल्ड कंप्यूटर. द नेक्स्ट वन इज वॉन लेबनिस. In 1671, a German mathematician, Gottfried von Leibniz 1646 to 1716, improved Pascal's calculator to make it capable of performing all maths operations. तो लेबनिस ने पास्कल के कैलकुलेटर पे काम किया और उसको और बेहतर किया कि वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो मजीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके. The last one in this dark age is the Babbage difference engine. Babbage difference engine ही वो basically
डिवाइस थी जिसकी बेस पे कंप्यूटर बना। डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन आया और उसकी बेस पे जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर है, जो बाबेज ने बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे उनकी बेस पे आज ये कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है। सो बाबेज इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। चार्ल्स बाबेज 1792 टू 1871 एन इंग्लिश मैथमेटिशियन आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एज ही गेव द ट्रू कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही डिवेल्प्ड बाबेज डिफरेंस इंजन इन 1823 and Babbage analytical engine in 1833. Lady Ada Augusta, an assistant of Babbage, called the first programmer. तो एक मुकम्मल जो कंप्यूटर था वो पहले डिफरेंस इंजन और फिर उसमें कुछ उसने मॉडिफिकेशंस की, उसको बेहतर किया और जो नया उसका वर्जन आया उसको उसने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया जो कि 1833 में उसने बनाया। और उसकी जो प्रोग्रामर थी जिसको कंसिडर किया जाता है कि जो उसके प्रोग्रामर थी वो लेडी एडा अगस्टा थी जो कि बेसिकली बाबेज की असिस्टेंट थी। Dear students, if you have any question or query regarding this lesson or the previous one, please write in the comment section below. I will write its answer there, so you will satisfy. Thank you for watching.